नमस्कार देशवासी विश्ववासी मैं जो काम करा है ये धर्म राजनीति अर्थनीति हम लोग के सबसे ऊपर प्रकृति इसके लिए राजनीति अर्थनीति धर्म नीति से हम प्रकृति के काम कर रहा है दूसरा काम नहीं किया मैं जो फॉरेस्ट बनाया वो हिस्टिकल एरिया ब्रिटिश और मानव का लड़ाई इंडिया का अंतिम लड़ाई इंडिया में जो होता है अंतिम का लड़ाई मेरा जो फॉरेस्ट है उस नीचे में मोग और सूची बुलाया वो ब्रिटिश और मानव का लड़ाई होने के बाद 1826 फरवरी में ब्रिटिश के अधीन नॉर्थ ईस्टर्न ओरिजिन रहते असम में नॉर्थ ईस्टर्न ब्रिटिश के अधीन गया था जाने के बाद ब्रिटिशों के अधीन रेलवे के लाइन जोरहाट पर्ग कोकिला में अरुणा समय में मेरा जन्म है गाँव है लेकिन वो 1965 में जब यूसोन हो गया यूसोन के बाद उधर सेंट एरिया हो गया सेंट एरिया होने के बाद में वही में 6-7 साल हुआ उसके बाद में जोड़ा जॉसकोट का पेशकार अभी पोर्टर को के सामने जाके क्लास थ्री तक 10 तक पढ़ाया है जो पढ़ा है नवोदय पालीगांव प्राथमिक विद्यालय में वो एक साइंटिस्ट है इसे उसका लड़का बच्चा मेरे एक स्कूल में पढ़ा है नवोदय पालीगांव प्राथमिक विद्यालय में उधर बचपन से हम लोग तो पेड़ उगते नहीं होगा वो तो साइंटिस्ट जो बोटानिकल विभाग है वो तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तो बचपन से हम लोग को सिखाया पेड़ उगते से नहीं होगा पेड़ रुक के बड़ा करने पड़ेगा उसका जो पेड़ बड़ा होगा पोखी आ जाएगा पोखी आने के बाद जानवर आ जाएगा तो रुक रुकेगा मैं जो पेड़ उगा वो जल्दी जल्दी होता है इसके लिए वो कोई दिन भी बुलाया आपके हाथ में इतनी जल्दी जल्दी पेड़ होता है इसके लिए आप पेड़ रुक के जाओ तो जब मैं क्लास 10 तक पढ़ के मैं छोड़ दिया मैं जो प्यूसन उन्हें जमीन पर गया था कोई दिन गया था देखा है सेंट एरिया में 1979 में ओवर फ्लड हुआ ओवर फ्लड में साइना अरुणाचल प्रदेश से जावरा बुरा आ गया था आगे दिन क्या जून महीना में 12 दिन तो बहुत धूप ज्यादा होता है वो दिन में 23 दिन हुआ ज्यादा पानी का उल्टा गर्मी पर सब सब मर गया मरने के बाद मेरा प्यार लग गया जो एक दिन हम लोग भी ऐसे ही मर जाएगा साथ नहीं मिलने से क्या करने पड़ेगा वो नीचे 5 किलोमीटर डिस्टेंस एक देवरी कम्युनिटी ट्राइबल आदमी आया वो लोग को ससा लोग को बुलाया ससा ये सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा वो लोग बुलाए 200 से सब उसका घास रुको तो अब मुझे तो मालूम नहीं है मेरा वो तो उम्र 40-50 ईयर्स है उसके बाद वो बोला बेम्बो रुको बेम्बो रुकने पे सांस हुई सांप ना मर या तू पेड़ रुक गया वो 50 बेम्बो का बीज दिया था 25 बेम्बो दिया था सांप मरने वाला जमीन पर घेर के वो लोग जल्दी जल्दी मिट्टी का कलछी 5 दिन के अंतर पानी दे दे के वो लोग बेम्बो भी जल्दी जल्दी वहाँ पेड़ रुकते रुकते 30 ईयर्स हो गया चौ डियर आ गया डियर आने के बाद रॉयल बंगाल टाइगर आ गया रॉयल बंगाल टाइगर के राइनो आ गया राइनो आने के बाद आने ने 15 इलिफेंट आ गया पोखी आ गया भालचार आ गया उसका जो पेक्टिन गांव बसने में को बुलाया तो फॉरेस्ट बनाने में इलिफेंट आ गया हमारे मकान पर तोड़ दिया तो मारने के लिए आया मैं जो पेड़ काटने के लिए आया मैं मना कर दिया पहले मैं को काटो उसके बाद पेड़ काटो मेरे पेड़ ने आप लोग का मकान उकान नहीं टूटा है आप लोग का पॉलिटिकल लीडर है एमएलए भी है एमपी भी है चीफ मिनिस्टर है भारत का प्रधानमंत्री उन लोग के साथ बातचीत करे मेरे बात सुन के वो लोग चला गया तो इंडिया का रिपोर्ट आसाम के रिपोर्ट आया था 7 आया था मैं वो उसको बचा के वो जो पुसार है वो जो पुसार है जो लोग को अंदर घुमाने नहीं देगा मैं जाना नहीं वो पड़ता था तो दूसरा दिन पिछला दिन मकर क्रांति के दिन एक दूसरा दिया था आसामी गामोसा दिया था 500 रुपया दिया था आप अच्छा काम कर रहे हैं वो आर्टिकल लिखाने के लिए 2 साल लगा 2010 में 24 दिन में निकल गया निकालने के बाद तो दूरदर्शन आ गया टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा टाइम्स ऑफ इंडिया आने के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी धरती दिवस पे इन्वाइट करके ले गए उधर तीन दिन तीन रात हर पेड़ का हर जानवर का हर पक्षी का तो गवेषणा करके इंडिया में पहले बार फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया सम्मान दिया था जो लोग सम्मान दिया था वो दिन बुलाया आपका सप्लिंग एंड स्कूल एंड कॉलेज बड़ा यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मौत चाहिए
जब ये बोल के जब शर्मा दिया था, मैं आसाम गया था, आसाम के साथ फिल्म बाग बुला दिया था बॉम्बे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो एनजीओ जो साइंटिस्ट का एनजीओ जो बुलाया, तो हाथ मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छे का हाथ पड़ा इसके लिए 60 kg डायमंड से 2.5 लाख रुपया सेक देता है और विश्ववासी के लिए कर जाओ और आपका सब्जेक्ट भी स्कूल एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा मीटिंग में मत जाइए। जो दिन बुलाया मैं 45 दिन मेरे फर्स्ट में ग्राइंड हूँ पोचा ने मार दिया। तो उसके बाद मैं आसाम जाकर तो डिपार्टमेंट को बोल के आया था, देखिए सर 9 महीना आदि इधर ही रहता है, मैं बाहर जाऊंगा आप लोग देखिए, उसका मनोजुक नहीं दिया था इसके लिए पोचा ने मार के उसको ले गया था। मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया जोरहाट, तो फॉरेस्ट में जाकर उसको देखा गया, उसको हॉर्न भी नहीं है, कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है और निगुड़ भी नहीं है, तो सब काट के ले गया था। वो दिन भी 40 साल के बाद 60 भालचार आ गया। जब भालचार आ गया मेरे मन में ऐसे ही लगा 40 साल में बहुत दूर जाने पड़ेगा। तो पिछला दिन आया यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, मैं को इन्वाइट करा, मेरा तो पासपोर्ट नहीं है, वीसा नहीं, कैसे जाएगा। तो इंडिया गवर्नमेंट को बुलाया उसको, वो आदमी को हम लोग को लग गया यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। जब मैं गया था कमिश्नर ने मेरे को पासपोर्ट वीसा सब बना दिया, बनाकर मैं पेरिस गया था यूनियन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में। जब विश्व के 200 देशों के लोग और 3700 लोग सब तो बैठा है, विश्व में सब काटने वाला मारने वाला सब खत्म कर दिया, अभी क्लाइमेट चेंज होता है, इसके लिए एक आदमी ये फॉरेस्ट बनाने के एक आदमी बनाने के लिए वो मेरे को सम्मान दिया। उसके बाद इंडिया में आया था, इंडिया में आके हर स्कूल कॉलेज में गया था, यूनिवर्सिटी में गया था, जवाहरलाल नेहरू दिन से वही दिन में के मुंशी एग्रीकल्चर मिनिस्टर केंद्रीय सरकार का वही दिन भी वन महोत्सव पालन करता है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पेड़ का पौधा लेके स्टूडेंट को दिया था, लेकिन एक भी पेड़ नहीं है। उसके बाद 1992 में स्वीडन के स्टॉक में 113 देशों ने घोषणा करा वही दिन भी क्लाइमेट चेंज। इंडिया में 1973 में किताब में है, मैं देखा इंडिया के स्कूल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटी के एक एक आता पर विश्व कोविड दिवस पालन करे, एक को भी पेड़ नहीं है। नहीं इंडिया के शिक्षा ऐसे ही नहीं थी, बड़ा लोग पेड़ कटा सुटा लड़का बच्चे का पेड़ का उखाड़ उखाड़ के जान वही दिन से नहीं उखाड़ने एक ही जमीन पर रहता है, इतनी भी क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। उसके बाद हर अभी क्या करने पड़ा, ये मूल कारण है जनसंख्या भी ज्यादा हुआ, नगरी भी ज्यादा हुआ, उद्योगी भी ज्यादा हुआ, जातिगतता भी जा, इसके लिए प्रकृति ने बार बार विश्ववासी समझा दिया, विश्ववासी जानने भी नहीं देता, देखने से नहीं देखे, इसके लिए क्लाइमेट चेंज। ये शिक्षा देने से भी नहीं होगा, शिक्षा को अग्राधिकार ने एनवायरमेंटल साइंस परिवेश विज्ञान एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा। जब एक लड़का एलपी स्कूल में नाम लगाएगा वो एक पेड़ रुकने पड़ेगा, उसका 5 साल बड़ा करने पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन वो लेगा, दूसरा 5 साल एक पेड़ रुपया विश्ववासी को मिलते हैं। साल भर इंडिया में कितने एडमिशन रहे, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना, 4 साल में, 3 साल में इंडिया भी न, वो लोग लड़का बच्चा अधीन दुखों से जो समर्थन कर नहीं पाया वो लोग करेगा, वो लोग का पेड़ कटने नहीं देगा, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठेगा मारने नहीं देगा, पेड़ के नीचे जानवर रहेगा वो लोग मारने नहीं, नया देखते वो लोग बचाएगा। इसके लिए हमारा देश 2020 जब 30 विश्व से पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्लाइमेट चेंज कितने होगा, जितने भी इंडिया के खाली रह जाए लाभ करो कॉपेड, इसके लिए पुणे में कॉर्नेल को ला, धरती नहीं रहेगा देश कैसे रखेगा, पहले धरती बचाओ उसके बाद देश रुको। और इसके लिए हमारा देश बहुत प्रॉब्लम है, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा हमारा क्लाइमेट चेंज और हो जाएगा, तो अवेयरनेस 30 साल ये फॉरेस्ट बनाने मेरे लगा और 5 साल अवेयरनेस के लिए डीएल इन प्रोग्राम को दिखाया। तो मेन मास्टर उलियन डॉक्टर ने बुलाया जो केन अवार्ड मिला था यूएसए में, वो बुलाया जी रियो ओलंपिक कमिटी ने आपको हमारे डॉक्यूमेंटेज हुआ है 2 मिनट के लिए वो दिखाने के लिए बुलाया आप जी मिसार्ड। मैं
ईमेल में सिमी साठी के भेजा दिया भेजाने तो 2016 में जब 2006 जितने भी खेलने के लिए आया था दो दो पैर रुक के खेला तो 12:30 बजे में देखा तो मेरा ये गौरव नहीं है इंडिया का गौरव तो ऑल ओवर वर्ल्ड के गौरव है अब तो पैर जब तक जिंदे रहेगा हम लोग जिंदे रहेगा पैर जब खत्म हो जाए हम लोग मैंने थोड़ी देर नहीं रहेगा वो ही इकोनॉमिकल फॉर्म क्लाइमेट चेंज पेरिस हेलिटन में तब जब गया था इंडिया के इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था 12 मिनट के भाषण देने के लिए मैं वो लोग आप लोग 20,000 पीपल आप लोग एक मिनट उत्साह बंद करो ऑक्सीजन का कितने जरूरत है जब ऑक्सीजन कौन देता है पेड़ नहीं देता है 20,000 पीपल है अपन जीने के लिए एक एक पेड़ रुपए ऑल ओवर वर्ल्ड 700 करोड़ एक एक पेड़ रुपए तो धरती बचा सका धरती नहीं रहेगा ये प्रोग्राम किसके लिए जरूरत है पहले धरती बचाओ इकोनॉमी का जो बात छोड़ दो आओ जितने भी धर्म का लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड का भगवान कौन देखा है उसका जवाब कोई नहीं देता है भगवान को देखा जितने भी मस्जिद बनाया मंदिर बनाया और गिरजा बनाया तो भगवान को देखने वाला कोई नहीं भगवान कौन है जन्म सत्तरा पिता माता जी भगवान है पिता माता जी जब हम लोग को छोड़ के गया था उसके साथ किसके साथ छोड़ के गया था प्रकृति के साथ छोड़ के गया प्रकृति नहीं भगवान है इसके लिए हमारे जो है इस और महाराष्ट्र शंकर शर्मा ने पूछा आपको भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या दे देश क्या देगा मेरा जरूरत नहीं है देश के लिए मैं क्या करूंगा यही मेरे काम इसके लिए कर रहा हूं दूसरा के लिए नहीं इंडिया में करने वाला बहुत काम है तो पद्मश्री सम्मान दिया था तो ये डायरेक्टली गृह मंत्रालय से जो इंटरनेशनल टेन अवार्ड मिला यूएसए कनाडा मिला तो नेशनल अवार्ड मिला आरटीसी वास्तव में उसको देने के साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब दे रहे तो मेरे को पूछ के वो तो गृह मंत्रालय से जाके मेरे को पद्मश्री सम्मान 2015 में 6 जनवरी में दिखला दिया 8 अप्रैल में दिया तो देने के बाद 3 दिन के आगे बोला आप ये सम्मान लेगा कि नहीं लेगा धरती नहीं रहेगा सम्मान लेके मैं क्या करूँगा लेकिन एक बात है 125 करोड़ आदमी का आशीर्वाद लेके लेता हूँ इंडिया में करने वाला ऑल ओवर वर्ल्ड भी करने वाला मेरा काम है इसके लिए लेता दूसरा के लिए नहीं है इसके लिए आप लोग का जितने भी इधर स्टूडेंट हैं आप जो प्रोग्राम बनाया था आप लोग का जन्म के दिन आगे क्या करा है केक कटा है मिठाई खाता है आप लोग का स्टूडेंट आप लोग का जन्म के दिन एक पेड़ रुको और जितने भी स्टूडेंट आएगा एक एक पेड़ रुको तो जितने भी पेड़ जिंदे रहेगा आप लोग को जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा बहुत खुशी था मैं दो पेड़ ले गया था टायन गया था तो टायन में जाके प्रेसिडेंट ने बुलाया जे आपको मैं प्रेसिडेंट को बुलाया राष्ट्रपति को बुलाया मैडम आप क्यों सफेद चंदन लाल चंदन इतने जल्दी जल्दी रुक में तो दूसरा पेज 7 दिन 7 रात वो लोग का निश्चय थे स्कूल कॉलेज फॉरेस्ट में जाके रुक है जो नहीं तो वो इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है उसका 7,200 रुपीज सफेद चंदन का लाल चंदन का 20,000 वो लोग का येन का मुद्रा तो हमारा इंडिया का कितने हो जाएगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड पे ऐसे मिसाइल जब छुड़ेगा कोई पेड़ जिंदे नहीं रहेगा कोई भी नहीं रहेगा लाल चंदन जिंदे रहेगा इसके लिए वो लोग का प्लांटेशन ज्यादा चाइना और ताइवान इसके लिए वो प्लांटेशन आप क्या है मिसाइल में हाँ एपीजे अब्दुल कलाम सर इसके नाम पर एक सफेद चंदन भूपेन हजारिका प्रकृति के साथ गाना लगा के हमारा छोड़ के गया था उसके नाम पर सफेद चंदन रुपया लेके हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रुपया दो रुपये इसके लिए आप लोग के लिए दो पेड़ लेके आया था आप लोग वो रुकने पड़ा बड़ा करने पड़ा जिंदे रहेगा तब मरने से भी जिंदे रहेगा जो जो दिन
এপিজে আব্দুল কালাম ডায়েট হওয়া মেঘালয় ওই দিন দিন খানায় ভি নেই খায়া তো দু তিন বার মেয়ে মিলায়া বহুত বাতচিত করা হ্যাঁ বিশ্ববাসী কে লিয়ে ইসকে লিয়ে উসকে সাথ বহুত প্যার করা মে কে মেরে যাও ইসকে মরনে সে ভি জিতে রহ আর তো জব স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মে রুপেগা ও লোক কো ধ্যান দেগা তো পে কোই ভি নেই কাটা আর তো জিতে রহ ওই দিন মহারাষ্ট্র রাতুন মে গেয়া থা 18 ভ্যালেস 10,000 পিপল ডাইড হওয়া গভর্নর চিফ মিনিস্টার চিফ কা কনজারভেটর তো বলে তো আপ আইয়ে আর তো কানুন বনা সকে গা চন্দাপুর মে ক্যা হওয়া वो टाइगर लोगों को तो टाइगर को मार दिया था वो लोग का बॉल खा जाता है वो गाय खा जाता है बकरी खा जाता है तब बोला है जो यह क्या कर दे वो तो एक साल के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पैसा दे ये तो इंडिया गवर्नमेंट का पैसा नहीं है वो तो राष्ट्र आज खा गया काल मर काल पैसा देने पड़ा आज बॉल को खा जाएगा टाइगर काल देने पर 200 से ज्यादा तो रॉयल बंगल टाइगर है उधर तो वो तो खाने पड़ेगा वो जो खाने के बाद पैसा देने का वो जो आज का वो जो खत्म हो गया टाइगर भी नहीं मिला जो 10,000 पीपल वो जो डाइट हुआ भूमि को 1993 पर तो वो मरने से भी जिंदे रहेगा उसका नाम पर फलकनामा लेकर एक एक पेड़ को तो मरने से भी जिंदे हम लोग तो ऑक्सीजन लेके जिंदे रहेगा और वो उसका आशीर्वाद से हम लोग जिंदे रहेगा उसका नाम लिखते हुआ यही रातुल में यही कर रहा तो इंडिया हर स्टेट कितने भी फॉरेस्ट एरिया वो तो संरक्षण करने पड़ेगा जब तक वो लोग बचेगा हम लोग जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं नहीं बचेगा हम लोग का ऐसे ही होता है अभी आसाम नॉर्थ ईस्टर्न में ऐसे कर रहा है अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा हुआ विश्ववासी ने अवेयरनेस हुआ है और तो ये एनवायरमेंटल साइंस देने से भी नहीं हो पाया परिवेश शिक्षक देने पड़ेगा परिवेश यूनिवर्सिटी देने पड़ेगा तब हम लोग जिंदे रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा धन्यवाद।